ठीक है, क्या है स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन? अ स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन इज अ रिएक्शन दैट अपीयर्स टू बी अ डिफरेंट ऑर्डर देन इट इज एक्चुअली इज एक्सप्लेन डाटा सेगमेंट. ये रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जो हमें डिफरेंट ऑर्डर की दिखती है, दिखाई देगी, बट होती दूसरे ऑर्डर की है. ठीक है, और ये हमें डाटा सेगमेंट एक्सप्लेन करती है. उसके बारे में ज़्यादा डीप ना घुसो, बस इतना याद रखना कि डाटा सेगमेंट हमें एक्सप्लेन करती है. तो ये एक ऐसी रिएक्शन है जो हम लोगों को डिफरेंट लगेगी, बट वो होती डिफरेंट है. इसका एग्जांपल क्या है? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एक केमिकल रिएक्शन है. ठीक है, इसका एग्जांपल है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन टू रिएक्टेंट एंड दस अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन एंड इज दस अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन विच अपीयर्स टू बी फर्स्ट ऑर्डर. तो एग्जांपल ये है कि स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होती है वो एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें दो रिएक्टेंट होते हैं. तो जो दो रिएक्टेंट वाली होती है उसे तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं, बट ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह हमें लगेगी क्योंकि इसमें जो एक रिएक्टेंट है वो बहुत कम क्वांटिटी में लिया जाएगा कि उसे मतलब नोटिस करना इजी नहीं होगा. इसलिए इसे स्यूडो रिएक्शन, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि स्यूडो मींस ही नकली होता है. जो मतलब ऐसी चीज़ जो हमें क्या नाम है दिखाई कुछ और दे बट है कुछ और. तो इसमें यही हुआ कि क्या नाम है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है वो क्या नाम है दो रिएक्टेंट यूज़ कर रही है, यानी कि वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होनी चाहिए, बट वो हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इसलिए लग रही है क्योंकि उसमें जो एक रिएक्टेंट यूज़ किया गया है वो इतनी कम क्वान्टिटी में यूज़ किया गया है कि जिसे हम लोग नोटिस नहीं कर सकते. इसलिए इसे स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं. ये फर्स्ट पैराग्राफ हो गया. नाउ दूसरा पैराग्राफ है, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है वो एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जो हमें क्या बताता है, दैट एक्सप्रेसेस डिके एट एन एक्सपोनेंशियल रेट. एक्सपोनेंशियल मीन्स वही रैपिडली जो चीज़ें बढ़ती हैं, और डिके मीन्स वैसे तो होता है डीकम्पोज करना या कम करना या मतलब एक तरीके से सड़ाना, बट यहाँ तो वो चीज़ नहीं यूज हो सकती ना. दैट तो क्या है, दैट एक्सप्रेसेस डिके एट एन एक्सपोनेंशियल रेट. जो किसी मतलब बहुत जल्दी जल्दी किसी रिएक्शन में जो एक एक्सपोनेंशियल रेट है, यानी बहुत जल्दी जल्दी वो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा रहा है, उसको डिके क्या बोलते हैं, एक्सप्रेसेस डिके एट एन एक्सपोनेंशियल रेट. एक्सपोनेंशियल रेट के होते हुए उसे क्या नाम है मतलब कम करने की कोशिश करती है. ठीक है, दिस इक्वेशन इज यूज टू कैलकुलेट द रेट्स ऑफ डिके फॉर रेडियो एक्टिविटी. इस इक्वेशन के क्या क्या यूजेस हैं, ये रेडियो एक्टिविटी की डिके रेट्स को मतलब कैलकुलेट करती है. केमिकल एंड केमिकल रिएक्शन, दो चीज मतलब दिस इक्वेशन इज यूज टू कैलकुलेट द रेट्स ऑफ डिके फॉर रेडियो एक्टिविटी एंड केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन और रेडियो एक्टिविटी के रेट्स डिके मतलब डिकम्पोज होने के रेट्स को ये इक्वेशन कैलकुलेट करती है. डिफरेंट वेरिएबल्स कैन बी यूज इनटू इक्वेशन टू डिटरमाइन डिफरेंट वेरियस रेट्स ऑफ डिके. बहुत सारे अलग अलग वेरिएबल्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं इस इक्वेशन में, जिससे हमें डिफरेंट डिफरेंट रेट्स मिलेंगे डिके होने के, डिके करने के. ठीक है, द इक्वेशन इज एक्सप्रेस एज, इक्वेशन लिखनी है डी ए ऑब्लिक डी टी इज इक्वल टू माइनस के टी, जहाँ पे क्या 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 चीज़ें हैं वो लिखी हुई हैं. ठीक है, वो याद अच्छे से कर लेना. टी टाइम है, ए इंक्रीज है, के कॉन्स्टेंट है, डी ए ऑब्लिक डी टी क्या है, रेट ऑफ यूनिट टाइम दैट दिस क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग. ठीक है, उसके बाद क्या है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज क्रिएटेड यूजिंग दिस इक्वेशन व्हेन टू रिएक्टेंट्स आर एंटर्ड बट वन इज सब्सटेंशियली मोर डाइल्यूट देन अदर. स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तब बनती है जब इक्वेशन में दो ऐसे रिएक्टेंट्स लिए गए हैं जिनमें से एक दूसरे से ज़्यादा डाइल्यूट, डाइल्यूट मीन्स लिक्विडी है, ज़्यादा मतलब पतला होता है. ठीक है, तो वो इक्वेशन हमें स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन हम लोग उस रिएक्शन के बना सकते हैं जिसमें दो रिएक्टेंट है बट उनमें से एक रिएक्टेंट ज़्यादा डाइल्यूट है. ठीक है, ये हो गया आपका स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन. इसकी इक्वेशन अच्छे से याद कर लेना. ठीक है, और क्या 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 चीज़ें हैं, और ईजी है ये भी.